देता हूँ, ठीक है क्या? तो कहानी है कि नेशनल हाईवे एनएचएआई ने अपील की है। एनएचएआई ने क्या किया है? अपील की है। तो पहले एक बार फैसला आ चुका होगा किसके खिलाफ? एनएचएआई के खिलाफ। कहानी यहां से शुरू होती है, द अपीलेंट, अपीलेंट मतलब एनएचएआई। अब जब भी अपीलेंट बोलेगा मैं एनएचएआई पढ़ूंगा। द एनएचएआई इनवाइटेड बिड्स फ्रॉम एंटिटीज इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग टोल कलेक्शन फ्रॉम यूजर्स। द बिड बाय शंकर ग्लोबल लिमिटेड, यानी कि रिस्पॉन्डेंट। द बिड बाय शंकर ग्लोबल लिमिटेड वॉज एक्सेप्टेड बाय द अपीलेंट, मतलब कि उसने अपील कर दी, बिड को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, कौन जीत गया? शंकर सहाकार, सॉरी। The parties entered into a contract on 30 June and accordingly the project site was duly handed over to the respondent 2 July 2017. 2 जुलाई को क्या कर दिया गया? साइट दे दी गई कि हाँ भैया आपसे आओ, टोल तुम कलेक्ट करो, टोल जितना भी कलेक्ट करोगे एक एक फिक्स अमाउंट तुम किसको दोगे? इसको दोगे, NHAI को दोगे। However, 2 days prior to the executive of the agreement on June इतना central tax was issued by stating that CGST Act would come into July आ गया, which there was a heavy fall in the traffic volume of the commercial transport vehicle and user fee collection on the highway owing to the implementation of GST. मतलब क्या हो गया? GST लागू हुआ तो कुछ लफड़े हुए तो क्या हो गया, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ट्रैफिक क्या हो गया, मार्केट से कम हो गया। अब हाईवे से उतना ट्रैफिक नहीं हुआ तो लोग टोल से होते निकले नहीं, अब क्योंकि टोल से होते लोग निकले नहीं तो उतना इनका क्या नहीं हुआ, कलेक्शन नहीं हो पाया। क्या बात समझ में आ रही है? द रिडक्शन इन टोल कलेक्शन रेंडर्ड टू द रिस्पॉन्डेंट अनेबल टू डिपॉजिट वीकली रेमिटेंस ऑन टाइम एंड इट ट्राइड टू प्लीड इट इज द केस its case with the appellant in order to revisit their agreement pertaining to the toll collection or seeking grant of leniency. उन्हें apply किया कि भैया अपने agreement को थोड़ा सा revise करते हैं, हर महीने हमें, हर हफ्ते, हर महीने इतना पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी टोल में उतने लोग आ नहीं रहे हैं, ये एक सरकारी लफड़ा हो गया है। Subsequently, the respondent citing implementation of GST as a force majeure event covered under the contract amendment. Force majeure event मतलब, ठीक है, कोई ऐसा कंडीशन जो, क्या बोलना बोलना, नो पार्टी कैन हेल्ड अकाउंटेबल। हाँ, मतलब कुल मिला के कि ये एक ऐसा हुआ जिसमें किसी को कोई गलती नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? इवेंट अकर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सबमिटेड अ स्टेटमेंट ऑफ लॉसेस सफर्ड बाय जुलाई इतना, द अपीलेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्डेंट क्लेम्स एंड डिनाइड दैट द इंप्लीमेंट ऑफ जीएसटी वाज अ फोर्स मेजोर इवेंट एंड शॉर्टफॉल इन द टोल कलेक्शन वाज अ बिजनेस रिस्क। वो क्या बोल रहा है? ये कोई जीएसटी के कारण नहीं हो रहा है, ये बिजनेस रिस्क था, तुमने लिया था, तुमने एक टोल के वो भरा था, ये बिजनेस है, ये तो चलता ही रहेगा, कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा आएगा, कभी ट्रैफिक कम आएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जीएसटी के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसको आपका फोर्स मेजरमेंट नहीं मानते हैं। एंड द रिस्पॉन्डेंट वॉज रिक्वायर्ड टू फॉरफिट डिपॉजिट द आउटस्टैंडिंग टोल कलेक्शन विद अ पेनल्टी इंटरेस्ट जजमेंट। द रिस्पॉन्डेंट इन्वोक्ड आर्बिट्रेशन वेर इन द लर्न्ड आर्बिट्रेटर हेल्ड दैट इंप्लीमेंटेशन जीएसटी वॉज अ फोर्स मेजर। बीच में जो आर्बिट्रेटर आया, आर्बिट्रेटर मतलब आप लोग लॉ पढ़ते हैं, जो सेटलमेंट करवाता है बीच में, ठीक है, तो आर्बिट्रेटर ने क्या बोला कि इंप्लीमेंटेशन जीएसटी वाज फोर्स मेजर इवेंट था और उसको किसके हित में दे दिया, सहकार के हित में दे दिया और इसके खिलाफ कर दिया, किसके खिलाफ कर दिया, एनएचएआई का। इट एक्सेप्टेड जीएसटी विद चेंज इन लॉ फिलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ फोर्स मेजर एंड विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड अपीलेंट वॉज लायबल टू पे द कंपेंसेशन फॉर लॉस जनरेटेड इन द रेवेन्यू ट्रिगर्ड बाय द रिड्यूस्ड टोल कलेक्शन ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो आर्बिट्रेटर ने किसके हक में फैसला दिया, सहकार के, किसके खिलाफ दिया, एनएचएआई। फिर एनएचएआई ने क्या किया, अपील की दिल्ली हाई कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस द पिटीशन एंड रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द आर्बिट्रल अवार्ड पास बाय द आर्बिट्रेटर। उन्होंने वो बोला जो आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया है वही फैसला सही है, ठीक है। इन रेवेन्यू ट्रिगर्ड बाय द रिड्यूस टोल कलेक्शन ड्यू टू जीएसटी एंड हेल्ड दैट द डेट ऑफ इंप्लीमेंट जीएसटी वॉज नॉट नोन एंड कुड नॉट बी स्पेक्यूलेटेड बाय एनीबडी, इट इज अ चेंज इन लॉ क्वालिफाइंग अ फोर्स मेजर इवेंट। हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि हाँ, आर्बिट्रेटर का फैसला सही है, इट इज अ फोर्स मेजर इवेंट। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं, फटाफट बोलो, ठीक है क्या? तो ये होती है तुम्हारी कहानी इस वाले केस लॉ की, खत्म। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बताओ, ठीक है। और कुछ जीएसटी की वजह से तब क्या हो रहा था ना कि तब वो हड़ताल और विरोध वगैरह हो रही थी ना कि नहीं ये जीएसटी सही से लागू नहीं हुआ है, हम बिजनेसमैन का ये हो जाएगा। जैसे अभी तुम देख रहे होते वो क्या हुआ, हिट एंड रन केस के कारण क्या हुआ, मॉल्डी के कारण ट्रैफिक नहीं रुका है बेटा, ठीक है ना।
हिट एंड रन के कारण, हिट एंड रन के कारण क्या हो गया है, हाईवे रुक गया है। क्या रुक गया है? हाईवे। तो वो उस समय पे टोल ला के वो बंद हुए होंगे, और ये लंबी कहानी चली थी उस टाइम पे जीएसटी के कारण, वो बोला इनने। ठीक है क्या? ठीक है, और कुछ आगे? हाँ हाँ कहाँ है नीड फॉर जीएसटी बताओ। हाँ नया चैप्टर करेंगे। इसमें क्या नहीं समझ में आया कि पूरा ही रीड करूं, पूरा ही रीड करूं इसको? इसको मैं बहुत तेजी से रीड करूंगा, ठीक है, बहुत ही तेजी से। तो सब लोग अपने पास वो रखेंगे बुक, और मैं इतनी तेजी से पढ़ूंगा कि क्या बताऊं कितनी तेजी से पढ़ूंगा। ठीक है क्या? तो ध्यान से पढ़ना सब लोग, किताब में पढ़ेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेनवेट रिमूव द क्रेडिट ग्रेट एक्सटेंड द कैस्केडिंग बर्डन बाय एक्सपेंडिंग द कवरेज ऑफ क्रेडिट ऑफ ऑल इनपुट्स। द ये इनपुट क्रेडिट वगैरह तुमको नहीं पता है ना अभी ये? आई एम सॉरी, मैं ये अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अभी आज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इनपुट क्रेडिट वाला, उसके बाद तुम पढ़ोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो मैं अलग से करा दूंगा। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है पहले वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही क्लैरिटी अच्छे से आ पाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद ही इसको अपन अभी मार्क करके रखते हैं, एक आध दो टॉपिक हो जाए फिर इसमें वापस आ जाएंगे, थोड़ी सी अपने पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी तब तक। ठीक है, अच्छा हाँ, जीएसटी को लेकर एक चीज और बोलना चाहूंगा, हम मॉड्यूल की सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। क्या समझ में आ रही है? मैं तुमको एक चीज के लिए परेशान करूंगा, बार बार इस चैप्टर से उस चैप्टर, उस चैप्टर से इस चैप्टर, यहां से वहां भटकाता रहूंगा। तो तुमको पेपर पेंसिल, ऑब्वियस बात है पेंसिल लेके बैठनी है, जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको मार्क और टिक लगाते जाना है, जो जो छूटा जा रहा है उसके लिए कोई भी एक निशान बना लो, जैसे गोला ही बना लो। तो हर बार जो भी छूटा उसके लिए क्या बनाओगे? सर्कल बनाओगे। इससे क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें जो छूटी छूटी होंगी ना, वो तुम आखिरी में अपन आइडेंटिफाई करके, जैसे अपने सीएफएम में भी किया था, आखिरी में छोटे छोटे छूटी हुई चीजें कवर की थी, पर मेजर चीजें पहले कवर कराऊंगा। इसमें यह बहुत ज्यादा होगा। क्यों बहुत ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें सीक्वेंस अलग है, कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस अलग है। हम कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस से चलेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बात अपनी बनती चली जाएगी। यहां तक समझ में आ गया ये जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया? एक चीज इसको मैं यहां पे बताना चाहता हूँ, सुन लेना ध्यान से। मुझे लगा था तुम्हारे उसमें दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, पर नहीं लिखा था। यहां एक चीज बता रहा हूं मैं, चलो जैसे यहां लिखा है ना, किस किस चीज में जीएसटी नहीं लगता है? अब पता क्या है, तुम अभी तुम्हारे में कॉन्स्टिट्यूशन वाली लाइन में लिखा नहीं, मजे की बात पता क्या है, अल्कोहल में जीएसटी नहीं लगेगा, ये इनने कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्रोविजन में लिख दिया है। और इन सब में जीएसटी नहीं लगेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये अलग से नोटिफिकेशन में लिखा है। बोलने का मतलब क्या है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जीएसटी आज नहीं तो कल लग सकता है, लग सकता है। मतलब पेट्रोलियम और ये सब कहां खड़े हैं? गेट पे खड़े एकदम, क्या तुम बोलो तो जीएसटी आ जाओ तो तुरंत दौड़ के अंदर जाएंगे, हाँ हाँ हम पे लगाओ जीएसटी, हम पे लगाओ जीएसटी, हम पे लगाओ जीएसटी। क्या समझ में आ रही है? और अल्कोहल बेटा ऐसा करके बैठा हुआ है कि हमको नहीं बुलाना, हमको बुलाओगे तो भी हम नहीं आएंगे, क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा, प्रोहिबिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। अगर कल को इन लोग अल्कोहल में जीएसटी लगाना चाहें तो इनको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है? जबकि बाकी पेट्रोल पेट्रोलियम में लगाने के लिए इनको इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होना चाहिए था, यहां लिखा नहीं है। तो बेसिकली क्या था, उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि किस पे जीएसटी लगेगा, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो अल्कोहल पे जीएसटी कभी ही नहीं लगेगा, बस में, जबकि पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या है, जीएसटी आज नहीं तो कल लग सकता है। जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बीच का कोई रास्ता निकलेगा, जीएसटी उस पर आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। ये चैप्टर आप पूरा रीड करके रखेंगे, एक चैप्टर आपका पूरा होता है, चैप्टर नंबर 15 में मैं जा रहा हूं। आज आपके पास एक पीडीएफ आएगी टेलीग्राम पे, ठीक है, उसमें थ्योरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल पढ़ा ही नहीं हमने, तो इस चैप्टर के पूरे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, चार पांच बहुत छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, जो आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको आप पढ़ के एक बार अच्छे से मार्क करके रख लोगे। क्लियर है क्या? एक साथ आपको बुक्स मिलेंगी बाद में, उसमें रहेगा ये, पर अभी क्योंकि एक चैप्टर पढ़ा है लगे हाथ उसके क्वेश्चन करने के लिए, आप आज मुझसे वो शीट लेके जाओगे, पीडीएफ में भिजवा दूंगा। नहीं भेजू तो मेरे को फोन या मैसेज करके याद दिला देना, ठीक है? चलिए, नहीं भाई नहीं यार, कॉल बैक तो कर लेता हूँ यार मैं, फोन उठाने के लिए मैं व्हाट्सएप के लिए बोल सकता हूँ रिप्लाई नहीं करता, दैट मैं मान जाऊंगा ये गुना, ठीक है, कॉल में रिप्लाई कर लूँ, फोन में उठा लेता हूँ, नहीं उठाऊंगा तो कॉल बैक करूंगा। किसको फोन लगा रहा था तू, कौन से नंबर पे? ठीक है साले, चार बार तेरा फोन उठाया वो याद नहीं तेरे को, एक आध बार नहीं उठाया वो याद है, तू अब कर फोन बेटा, तेरे को बताता हूँ मैं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीएसटी लगेगा तो सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा। पहली बात, अभी ये बहुत दूर दूर तक नहीं लगने वाला जीएसटी पेट्रोल में, ठीक है? हाँ
हाँ, वो फिर अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। क्या बेटा? वो अपन देखते हैं बेटा, अभी अपन उन सब में नहीं जाते हैं, ठीक है? कि अपन है ना देश के आम मुद्दों पे चर्चा करने नहीं बैठे हैं कि और बताओ भैया कैसा रहेगा, ठीक है क्या? चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें पढ़ते हैं। ये वाले चैप्टर में आ जाओ तुम, चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें मुझे तुमको एक चीज पढ़ानी है, क्या हो गया बेटा, क्या परेशानी है? मॉड्यूल मिली नहीं तुमको? देखते हैं अपन आज क्लास के बाद, मेरे को तो अभी बता रही हो पहली बार, तुम क्लास के बाद मेरे को बताना। नहीं, आ जाओ पहले, आओ बेटा आओ पहले, फटाफट जो पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर अभी अपन आधा ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है क्या? आइए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ जीएसटी जानते हो आप लोग सब? जीएसटी बताने की जरूरत है क्या? ये लिखा है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इस कल पढ़ा है पूरी बात है क्या? बस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ टैक्स बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल बेस्ड टैक्सेशन बिकॉज ओरिजिन डिफाइंड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मतलब है? जहां पे गुड्स कंज्यूम होंगे, जहां पे गुड्स कंज्यूम होंगे वहां पे जीएसटी लगेगा, मतलब उसको जीएसटी मिलेगा, उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा। अगर मैं इंटर स्टेट सेल करता हूं, अगर मैं इंटर स्टेट सेल करता हूं तो उसमें आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी के भी दो टुकड़े होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। आईजीएसटी का में से सीजीएसटी वाला हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है, और उस आईजीएसटी का एसजीएसटी वाला हिस्सा किसको मिलता है? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को। किसको मिलता है? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को। क्या बात समझ में आ रही है? पूरा मीनिंग ऑफ जीएसटी आप पढ़ लोगे, ठीक है क्या? अब ये टेक कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, ये मैं अभी आपको दो मिनट बाद पढ़ाऊंगा, उसके पहले मैं आपको जीएसटीएन पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? जीएसटी। चलो जीएसटीएन पे इनके पहले आ जाओ, जीएसटी मॉडल पे। हाँ फाइनल जहां पे पहुंचेगा वहां पे लगेगा। अब मान लो यहां से गुड्स गया, जैसे फॉर एग्जांपल जबलपुर से माल गया दिल्ली, दिल्ली में टिप्पा खा के कहां चला गया? यूपी, यूपी से टिप्पा खा के कहां चला गया? बिहार। तो फाइनली किसको मिलेगा? बिहार को। क्या बात समझ में? जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल कंजम्पशन जहां हो रहा है वहां पे जाके जीएसटी का आपको वो मिलेगा, ठीक है क्या? आइए बात करते हैं जीएसटी मॉडल। जीएसटी मॉडल क्या है आप देख सकते हो, ये भी कल मैंने आपको बता दिया था, अलग अलग एक्ट लगते हैं। सीजीएसटी के लिए क्या लगेगा? सीजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी लगेगा एसजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी के लिए क्या लगेगा? आईजीएसटी एक्ट। क्या बात समझ में? ये क्या लगेगा? यूटीजीएसटी एक्ट। और क्या लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इतने एक्ट्स हैं जो जीएसटी के अंदर कवर है। कल ही मैंने आपको बताया था हर के लिए क्या है, अलग अलग एक्ट है। इतने सारे एक्ट अपन को कवर करने हैं इसके अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? टेंशन नहीं लेना, भाई बैठा है सब कवर हो जाएगा, ठीक है? ये अपन ने पढ़ लिया था। अगर इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। कोई डाउट है क्या? इंट्रा स्टेट के केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट के केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी। कोई दिक्कत है? नहीं। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं। आईजीएसटी के अंदर भी क्या होते हैं? दो हिस्से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये पढ़ा चुका हूं मैं पूरा आपको, ठीक है क्या? और वो हिस्सा उनको वैसे वैसे मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगर ये देखो ये बना हुआ है इनका पूरा, ये अगर इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर यूनियन टेरिटरी है तो, मतलब इंटर यूनियन टेरिटरी है तो क्या हो जाएगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। इंट्रा यूनियन टेरिटरी है मतलब विद इन दिल्ली टू दिल्ली, चंडीगढ़ टू सॉरी दिल्ली टू दिल्ली क्या होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। आपको याद है ना कौन कौन से स्टेट, जो मिक्स स्टेट्स है उनको क्या माना गया है? स्टेट्स। मिक्स यूटीज को स्टेट्स माना गया, यूटी नहीं माना गया, याद आ रहा है कल पढ़ाया था। फिर क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट इंपोर्ट या एसईजेड सब में क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। सब में क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। क्या नहीं, फॉरेन नहीं, इंटर स्टेट भी है, इंपोर्ट को फॉरेन बोल दिया गया है। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी पढ़ेंगे अपन उसके बारे में।
ये देखो आईजीएसटी रेट इज इक्वल टू सीजीएसटी रेट प्लस एसजीएसटी रेट, ये अपन बाद में पढ़ेंगे नेचर ऑफ सप्लाई के बाद, पहले आके एक बार जीएसटीएन जो ऊपर छूटा वो पढ़ लेते हैं। क्या है जीएसटीएन, सुनना ध्यान से मुंडी जट को, स्ट्रेट बैठो आओ देखो। एक बार बेटा क्या था, एक जॉइंट फैमिली थी, क्या थी जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में क्या हुआ, अंदर भाऊओं में क्लेश, ठीक है क्या, एक भाभी दूसरी भाभी से लड़ गई, दूसरी भाभी तीसरी भाभी से लड़ गई, तो भाभियों में क्या हो गई, आएगी स्क्रीन आएगी आएगी, अभी लड़ाई चल रही ना बेटा, देखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो भाभियों की क्या हो गई बेटा, आपस में लड़ाई, तो सासू माँ आई और सासू माँ ने आगे क्या बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम लोग का चूल्हा अलग अलग, ठीक है, तीनों भाभियों का चूल्हा क्या कर दिया गया, अलग अलग। तो अब लेकिन चूल्हा अलग अलग कर दिया गया, लेकिन सासू माँ ने एक ही कंडीशन रखी, बोले बाहर मार्केट में ये बात नहीं जाना चाहिए कि क्या हो चुका है, चूल्हा अलग अलग हो चुका है, हम दुनिया के सामने क्या दिखनी चाहिए, ज्वाइंट फैमिली। बताओ बेटा क्या ये असली ज्वाइंट फैमिली है या दिखावटी ज्वाइंट फैमिली है, ये असली ज्वाइंट फैमिली की दिखावटी ज्वाइंट फैमिली है। अब बेटा ये घर एक है, ये घर क्या है बेटा एक है, लेकिन इनके अंदर क्या है बेटा, अरे ये भाभी है ना यार, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये तीन भाभी हैं, बात समझ में आ रही है, तीनों का चूल्हा क्या है बेटा अलग अलग। बताओ बेटा क्या जॉइंट फैमिली है कि दिखने में जॉइंट फैमिली है, दिखने में जॉइंट। अब हुआ क्या, सब्जी वाला आया, कौन आया सब्जी वाला, ले आलू ले भिंडी ले टमाटर ले गोभी ले, तो ये भाभी गई अपने सब्जी लेके आ गई, ये भाभी गई अपने सब्जी लेके आ गई, ये भाभी गई सब अपने लिए सब्जी लेके आ गई, क्या बात समझ आ रही है। बताओ बेटा क्या सब्जी वाले को समझ नहीं आ जाएगा, सब्जी वाले का समझ में आएगा कि ये सिर्फ दिखावे की जॉइंट फैमिली है, असल में तो क्या है बेटा न्यूक्लियर ही है, क्या बात समझ में आ रही है। तो सासू माँ ने बोला कि ये तरीका सही नहीं है, तुम लोग पूरे शहर में पूरे मोहल्ले में हल्ला मत पिटवाओ कि बेटा हमारे यहाँ कलेश होते हैं और ये जॉइंट फैमिली नहीं है। तो अब कैसे किया जाए बताओ, अगर इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है तो कैसे किया जाए आप बताओ। अब बोला गया कि कोई एक जाएगी, किचन तीन है, क्या बात समझ में आ रही है। तो अब तीनों क्या करेंगी, तीनों पैसा मान के चलो छोटी वाली को दे देंगी, क्या बात समझ में आ रही है, लिस्ट निकाल के दे देंगी। अब छोटी वाली जाएंगी बाहर से सब्जी लेके आएंगी, वापस आके यहाँ पे अंदर फिर क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। इससे क्या होगा बेटा, अपने परिवार की गरिमा भी बनी रहेगी है ना, और सब्जी का बंटवारा भी हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है। ऐसे किया गया ज्वाइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली को ज्वाइंट फैमिली दिखावा करने का तरीका। हाँ या ना, फटाफट बोलो। वैसे ही अब जब जो जीएसटी बनाए तो एक जीएसटी पोर्टल होना चाहिए जहां पे वो सब भरेंगे ये सारी चीजें, बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही जीएसटी पोर्टल बनाया था इंफोसिस ने, किसने बनाया था, इंफोसिस ने। अब क्या सिर्फ एक बार पोर्टल बना के रख देंगे कि मेंटेनेंस लगता रहेगा, एक लंबा चौड़ा खर्चे वाला काम है। अच्छा ये खर्चा अब देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला सी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट बोला स्टेट गवर्नमेंट देगी, यूटी ने बोला यूटी देंगे, क्या बात समझ में आ रही है। अब फैसला क्या हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो जितना भी है 200-400 करोड़ जो भी आ रहा है सब लोग अपना अपना हिस्सा दो, सब लोग अपना अपना हिस्सा दो, सीजीएसटी अपना हिस्सा दे, एसजीएसटी अपना हिस्सा दे, यूटीजीएसटी अपना हिस्सा दे। लेकिन अब ये तीनों बाहर जाएंगे और जाके इन्फोसिस को पैसा देंगे तो बताओ बेटा क्या पूरे दुनिया के सामने पर्दाफाश नहीं हो जाएगा, काय का वन नेशन वन टैक्स, काय का बंटवारा, सारे लोग अलग अलग आके अपना घर अलग अलग चला रहे, दिखने में जॉइंट फैमिली, अंदर ही अंदर क्या है न्यूक्लियर फैमिली, बात समझ में आ रही है। ताकि ये सब लफड़े ना हो, ताकि दुनिया के सामने प्रदर्शन ना हो, इसलिए क्या बोला गया, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई, बीच में एक पर्दा लगा दिया गया, उस पर्दे का नाम रखा गया जीएसटीएन, क्या रखा गया जीएसटीएन। ये एक कंपनी बनाई गई, ये क्या बनाई गई, एक कंपनी जीएसटीएन नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, क्या बात समझ में आ रही है। ये एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है बच्चे, कौन सी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, जो क्या करती है सबसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है और यहाँ पे इन्फोसिस को पैसा देती है, या सिर्फ अभी ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला, ओवरऑल पोर्टल का मैनेजमेंट देखती है, ओवरऑल क्या देखती है, पोर्टल का मैनेजमेंट देखती है, इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, कुछ भी खर्चा आएगा तो सबसे लेंगे और खर्चा करेंगे और ओवरऑल जीएसटी पोर्टल को चलाएंगे, उसको क्या बोला जाता है जीएसटीएन, क्या बोला जाता है GSTN, Goods and Service Tax, वो आपको उसी के बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अभी आप ये पूरा रीड करोगे, मैं रीड नहीं कराऊंगा।
वेलफेयर का काम कर रही है ना, पोर्टल बना रही है, पूरा पोर्टल मैनेज कर रही है, देश के लिए कर रही है, गुड्स एंड सर्विस के लिए। हाँ बेटा ये वेलफेयर हुआ बेटा, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। और सेक्शन एट कंपनी जरूरी नहीं है कि वेलफेयर ही करे, सेक्शन एट कंपनी से होती नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाने के जिसका पर्पस नहीं है, और उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। हाँ मतलब समझा नहीं मैं, मतलब पर्पस मेरा बताने का ये कि इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है क्या? वैसे ये सेक्शन एट में रजिस्टर्ड होगी, इसको देखते हैं एक बार, मेरे हिसाब से रजिस्टर्ड होनी चाहिए वैसे सेक्शन एट कंपनी में, देखो एक बार। हाँ कंपनीज पे लगता है, मतलब भैया ये अपने आप में कंपनी है जो काम करेगी, क्या करेगी, सारा जो जो जीएसटी का पोर्टल है उसको संभालेगी, उसको मेंटेन करेगी, उसका जो भी खर्चा आएगा वो कॉमन लेके मेंटेन करेगी। अब इसमें कंपनी में लगना या नॉन कंपनी लगना, कंपनी से थोड़ी पड़ रहे अपन, सेक्शनेट है ना क्या? स्टेक होल्डर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, मतलब पोर्टल को सिर्फ क्या सीजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है क्या? हम और आप यूज नहीं करते क्या? सब यूज करते हैं ना, मैं भी तो जीएसटी के पोर्टल में जाके जीएसटी की रिटर्न भरता हूँ, मैं भी तो जीएसटी के फॉर्म फिल करता हूँ, एप्लीकेशन करता हूँ, तो जो भी लोग जीएसटी का पोर्टल यूज करते हैं सब यूज करते हैं ना। तो वही बोला कि किस किस को फायदा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स और साथ में अदर स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट भी जाती होगी और कोई जिसको भी जीएसटी की कुछ भी जरूरत है वो जीएसटी पोर्टल में जाएगा, दैट्स इट, बस परफेक्ट। वो अलग है, GSTIN होता है वो, ठीक है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो अपन पढ़ेंगे अभी, रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो GSTIN मिलता है आपको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलो चलो जल्दी जल्दी, अबे इतना पढ़ने का टाइम नहीं दूंगा, 6 पॉइंट हो गया, आगे बढ़े। तो ये होता है तुम्हारा GSTIN मॉडल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है ना, ये पढ़ लिया IGST, इतना आपको पढ़ के आना है। कहां तक पढ़ लेना है आपको मुझे बताओ, कि नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर तक का आपको आज पूरा रीड कर लेना है, कि यहां तक कहानी समझ में आई है, बोलो हाँ। अच्छा अब अपन बात करते हैं जीएसटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, क्रेडिट कॉन्सेप्ट की। अगर कहीं कॉपी पेन हो, कोई कागज में जिसमें चिपका के लिखोगे, कुछ भी हो, उसको हम यहां पे एक बार रख लेंगे, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे कहानी को। ये अभी मॉड्यूल में चाहिए मेरे को, अभी अभी तो पहले ये वाला पेज नंबर तो वही है ना जो था, कौन सा, 592 मॉड्यूल का। चलो मॉड्यूल भी खुले रखना, अभी वो क्रेडिट कॉन्सेप्ट के पहले एक बार ये बेसिक जो है जो पढ़ा चुका हूँ वो दिख गया, तो एक बार ये भी रीड करा दे रहा हूँ, पहले ये देख लो क्या है। अगर दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। दो डिफरेंट यूटीज के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो इंटर स्टेट। एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल बताओ, एमपी से बिहार, इंटर स्टेट, ठीक है, और क्या, चंडीगढ़ से लक्षद्वीप, चंडीगढ़ से लक्षद्वीप, टू यूटीज, तो वो भी क्या है, इंटर स्टेट। वही तो लिखा ना, टू डिफरेंट यूटीज के में भी क्या है, इंटर स्टेट। इंटर यूटीज नाम थोड़ी देंगे, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है बात समझ में आ रही है। अगर एमपी से बिहार, इंटर स्टेट, चंडीगढ़ से लक्षद्वीप, इंटर स्टेट, क्या बात समझ में आ रही है? और एक स्टेट मान के चलो एमपी से लक्षद्वीप,
इंटर स्टेट, क्या बात समझ में आ रही है? अरे दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो, नाम चाहे स्टेट हो चाहे यूटी हो चाहे कुछ भी हो, उसे कोई लेने देना नहीं है। दो स्टेट करें, दो यूटी करें, एक स्टेट करें एक यूटी करें, सब बार क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट। अच्छा मेन पता क्या है? विद इन स्टेट जो चीज नहीं है ना, वो चीज क्या है? इंटर स्टेट। लॉजिक समझ लो, जो चीज क्या है? विद इन स्टेट नहीं है, वो क्या है? इंटर स्टेट। देखो, सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्या कहलाता है? मतलब कि कस्टम किया, इंपोर्ट किया, तो वो भी क्या है? इंटर स्टेट। सप्लाई ऑफ सर्विस इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहां से सर्विसेज इंपोर्ट करी, ठीक है, क्या वो भी क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट। ये सब क्या है? इंटर स्टेट। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ, ठीक है क्या? Where supply is located in India and the place of, अच्छा ये place of supply outside India, मतलब अभी बस ये समझो कि export किया है, क्या किया है? Export किया है, तो भी क्या कहलाएगा? Interstate। अभी तक import बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है? Export। To or by SEZ developer or a SEZ zone unit, ठीक है, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग अ इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एलसेवेयर इन दिस सेक्शन। ये वाली लाइन मेनली पढ़ो, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब जो चीज इंटरस्टेट नहीं है, जो चीज इंटरस्टेट नहीं है, वो चीज क्या कहला जाएगी? इंटरस्टेट। क्या कहला जाएगी? इंटरस्टेट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी क्या माना गया है? अलग से स्टेट मान लिया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी बस ये समझो, जो एसईजेड है, क्या है? एसईजेड, उसको भी क्या मान लिया था? अलग से स्टेट। तो अगर आपने एक एसईजेड को बेचा, ठीक है, टू और बाय एसईजेड डेवलपर और जोन यूनिट, अगर एक एसईजेड ने दूसरे एसईजेड को या कहीं भी एसईजेड से डीलिंग हो रही है, तो उसको भी क्या मान लेंगे? इंटरस्टेट। क्या मान लेंगे? इंटरस्टेट। आया कि नहीं आया? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, एक ही स्टेट और उसमें कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रास्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रास्टेट। नहीं समझ में आया? बेसिक लॉजिक क्या है? अगर विद इन स्टेट है तो क्या है? इंट्रास्टेट। अगर स्टेट के बाहर है तो क्या है? इंटरस्टेट। क्या बात समझ में आ रही? देखो, सप्लायर सप्लाई इन डिफरेंट स्टेट्स, ये डायग्राम मैंने, सप्लायर सप्लाई इन डिफरेंट स्टेट्स, तो क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट। सप्लायर सप्लाई इन इंपोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है, टू या फ्रॉम क्या है? एसईजेड है, या नॉन इंट्रास्टेट है, मतलब इंट्रास्टेट नहीं है, तो भी क्या है? इंटरस्टेट। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये भी क्या कहला जाएगा? इंटरस्टेट। कितनों को समझ में आया? कब कब इंटरस्टेट होगा? दो स्टेट्स, दो स्टेट्स, दो यूटीज, एक स्टेट एक यूटी। फिर से दो स्टेट्स, दो यूटीज, एक स्टेट एक यूटी, यहां तक मेरे साथ हो। चौथा क्या होगा बताओ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम एसईजेड और नॉन इंट्रास्टेट, कोई भी और ट्रांजेक्शन जो इंट्रा नहीं है, वो सब क्या कहला जाएगा? इंटरस्टेट कहला जाएगा। हाँ यानी फटाफट बोलो। अब ये पानी वाला अलग से पढ़ाएंगे। हाँ, इसलिए तो उसको इंटरस्टेट बोल दिया ना, एक्सपोर्ट भी तो इंटरस्टेट। ये बनाए डायग्राम, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। सप्लाई विद इन सेम स्टेट, सप्लाई विद इन अ सेम यूनियन टेरिटरी, इट इज अ टाइप ऑफ सप्लाई, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी पेड। इन दिस टाइप ऑफ सप्लाई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी पेड, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंट्रास्टेट। ये क्या हो जाएगा? इंट्रास्टेट। और ये क्या हो जाएगा? इंटरस्टेट। ये डायग्राम को देख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, मतलब ध्यान से पढ़ना है इसको। हो गया सबका? ये क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे? नहीं बेटा इतनी जल्दी नहीं, तुका तुमने क्या साले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने आयो का? ये देख लो, ये यूटीज की लिस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों का मर्जर हुआ है। ये बात सच में आई है? लद्दाख, चंडीगढ़, अदर टेरिटरी, क्या बात सच में आ रही है? अदर और कुछ आ जाए तो वो सब क्या कहलाएगा? यूटीजीएससी जैसे पे लगता है, मेनली यही पांच है। हाँ, दिल्ली को यूटी नहीं माना गया, कल पढ़ाया था, मिक्स यूटी है, और मिक्स यूटी को क्या माना गया है? डीम्ड स्टेट। कल नहीं आई थी ना? वेरी गुड, आ जाओ अब मेन मुद्दा पढ़ते हैं जो मैं पढ़ाने में जा रहा था। जो जीएसटी है वो लगता है वैल्यू एडेड सिस्टम पे। किस पे लगता है? वैल्यू एडेड सिस्टम पे, ठीक है क्या? आओ आओ आओ, मुझे
कार्यकर्ता चाहिए अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आ जाओ जो फर्स्ट बेंच में बैठेगा वो कार्यकर्ता बनता है, ठीक है क्या? और आज सेकंड कार्स बेंच से भी कार्यकर्ता लगेंगे अपन को थोड़े से, आओ आओ सामने खड़े जाओ, अरे खड़े तो देख रहे हैं अपन, ठीक है क्या? हाँ हाँ दोनों को आना है, यहाँ अंदर घुसो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, देखना कैमरे से नहीं टकराना बेटा, नुकसान करा दोगे, GST दिए नहीं हो अभी पहले ही, ठीक है क्या? और क्या करने का है अपने को, रुक जाओ, इसको अपन ढंग से ही समझते हैं आज, ये पूरा मेन मुद्दा है पूरे GST का, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तुम्हारा काय का काम बेटा, रिफिल का, तुम क्या बनाती हो? रिफिल, ये क्या बनाती है? रिफिल बनाती है, ये क्या करती है? ये रिफिल इससे खरीदती है, ये रिफिल इससे खरीदती है, और रिफिल का क्या बना देती है? रिफिल का क्या बना देती है? पेन बना देती है, क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या बना देती है? पेन बना देती है। अच्छा आओ भाई, तुम भी आओ, आओ भाई आओ, अरे आओ ना, तुम आओ ना पलक, ठीक है? तुम क्या करती हो, ये पेन लेती हो इनसे और बॉक्स में डाल के बेच देती हो फाइनल कस्टमर को, पेन लेती हो इनसे और बॉक्स में डाल के क्या कर देती हो, फाइनल कस्टमर को बेच देती हो। आओ तुम वहां पे क्या बनोगी? फाइनल कस्टमर। रुक जाओ तुम, अबे तुम रुको वहीं पे, अभी तुम अभी रुको, तुमको दूसरा रोल देंगे, आओ जल्दी आओ। तुम वहां पे क्या बनती हो? फाइनल कस्टमर। तुम आओ, वहां फाइनल कस्टमर खड़ा है, ठीक है क्या? तो एक काम करो ना, सब ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ सब लोग, आओ ऐसे आओ, ऐसे आ जाओ, ठीक है? चलो ठीक है, सुन लेना ध्यान से, ये क्या बनाती है? रिफिल। सुन लेना ध्यान से, अबे कॉन्सेप्ट समझना, मजे मत रह जाना। ये क्या बनाती है? रिफिल। ये रिफिल किसको बेचती है? इसको। ये क्या बनाती है? पेन। ये पेन को बॉक्स में डालती है और किसको बेच देती है? इसको बेच देती है। क्या कहानी यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा तुम खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, कैमरे में उसको भी लो, ठीक है? ये गवर्नमेंट है, तुम कौन हो? गवर्नमेंट, ठीक है? तुम पैसे का हिसाब किताब रखोगे, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, आखिरी में तुमसे हिसाब पूछा जाएगा कि पैसे का हिसाब किताब क्या हुआ है, अबे सही में हिसाब किताब बनाना है, ठीक है क्या? मैं तुमको बताऊंगा, सुनना ध्यान से सारे लोग, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज सुनो, पैसे मुझे और लगेंगे, किसी के पास पैसे हो तो मेरे को दे देना, ठीक है क्या? समझ लो, 2 मिनट, अरे रुक तो जाए यार, सिंधी पना इसका खत्म नहीं हो रहा, ठीक है? सुनो ध्यान से, ये लो 100 रुपए तुम्हारे पास है, ठीक है? सुखियो तुम्हारे पास 100 रुपए की तुम्हारे पास रिफिल है, ठीक है क्या? तुम ये लो, तुम इससे 100 रुपए का पेन खरीद रिफिल खरीदोगी, 100 रुपए क्या खरीदोगी? रिफिल, ध्यान से सुनना, इससे 100 रुपए क्या खरीदोगी? रिफिल, और उस पर 10% GST लगेगा, 10% क्या लगेगा? GST। तो ये सु कितने पैसे देगी? 100 की 110, 110, 2 110, और उससे रिफिल ले लो। अब रिफिल डालो पेन में, अरे भाई काम तो सही से करो, से पैसा लेने आई हो गया, बढ़िया फाइनल करो उसको, पेन बन के तैयार हो गया, पेन बन के तैयार हो गया, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, क्या ये पूरे 110 अपने पास रखेगी कि 100 अपने पास रखेगी, 10 सरकार को देगी? जाओ 10 रुपए सरकार को दे के आओ, सरकार तुम्हारे पास कितने रुपए आ गए? 10 रुपए, हिसाब रखना, तुम्हारे पास पहले ट्रांजेक्शन से 10 रुपए आए हैं, क्या बात समझ में आई है? ये 110 रुपए इसको आ गए, क्या बात समझ में आई? अब ये पेन बन गया है कितने का? 200 रुपए, ऐसे ही दी मेरे पास, पैसे दे बे, अरे इधर दे, ठीक है? अब ये पेन कितने का बन गया है? 10 रुपए, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, 100 रुपए दे, ठीक है? ये पेन कितने का बन गया है अब? 200 का, 100 का खरीदा था इसने, अब ये कितने का हो गया है? 200 का। अब इसमें 10% GST लगेगा, कितना लगेगा? 10% GST। 2 मिनट रुक जाना, ये इसको बेचेगी, ठीक है? फिर से लगेगा, तो 200 पे 10% कितना लगेगा? 220। तो ये इसको 200 देगी कि 220 देगी? 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, ये 100 और ये 200 और ये 20 रुपए, तो ये कितने हो गए? 220 रुपए। प्लीज सुन लेना, यहां पे मेन चीज देखना, ये इसको कितने देगी? 220 रुपए दो और ये रखो। अब 2 मिनट रुक जाना, इसके पास 200 आए कि 220 आए? ये सरकार को कितने देगी? लेकिन सुन लेना, अभी 20 रुपए मत देना, इसने क्या कहा कि हमने क्या बेचा है? पेन। हमने क्या बेचा है? पेन। ये 200 रुपए की कॉस्ट है इसकी, 200 रुपए की जो इसकी वैल्यू है, क्या इसके अंदर रिफिल इंक्लूडेड है? क्या ये रिफिल पे टैक्स दे चुकी है? साक्षी का कहना है कि भैया मैं रिफिल पे टैक्स दे चुकी हूं। अब अगर मैं 20 रुपए टैक्स देने जाऊंगी तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल टैक्सेशन, क्योंकि रिफिल में टैक्स लग चुका है। अरे रिफिल में टैक्स लग चुका है, और ऊपर से किस पे टैक्स और लग रहा है? पेन पे।
क्या मेरी बात समझ में आई? इसने बोला तो सरकार को बोला कि सरकार ये तो मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, मैं रिफिल पर टैक्स भर चुकी हूँ। तो सरकार ने बोला अच्छा कितना टैक्स भर चुकी हो? 10 रुपए। तो एक काम करो, जितना टैक्स तुम भर चुकी हो उसका हम तुमको क्या दे देते हैं? क्रेडिट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? क्रेडिट। तो कायदे से इसने टैक्स कलेक्ट कितना किया है? 20। पर ये देके कितना आई थी सरकार को? 10। कौन देके आई थी? ये देके आई थी, पर भरा इसने था ना, तो मतलब टैक्स सरकार को, सरकार को टैक्स कितना मिल चुका है? 10। तो अब ये 20 देगी कि 10 देगी? 10 देगी। तुम जाओ 20 और 10 रुपए लेके आओ, जाओ। ठीक है, नेट सरकार को कितना टैक्स मिल चुका है? 20 रुपए। कितना मिल चुका है? 20 रुपए। सरकार को कितना टैक्स मिल चुका है? 20 रुपए। 10 रुपए किससे? इससे। और 10 रुपए किससे? इससे। क्या बात समझ में आ रही है? इसने अब 220 पेन को उसमें डालो, बॉक्स बनाओ, पैसे दो। कितने हैं अपने पास? कुछ है क्या अभी? और कोई है? 100 रुपए है किसी के पास? 100, 200। दे 500 का दे, देख ला, दे 500 का दे। अब इसने क्या कर दिया? अब इसने क्या कर दिया? पकड़ो। अब इसने पेन डाल दिया, अब इसने 200 के बॉक्स को कितना बना दिया? 500 का। कितना का बना दिया? 500 का। बेचो। क्या 500 ही लोगी कि 550 लोगी? 550 लोगी। ये लो 550 रुपए दोस्त को वापस। ठीक है, अब इसको कितने मिल गए? 550। अब तुम मुझे बताओ क्या ये 50 रुपए टैक्स भरेगी? कितना भरेगी? कितना भर चुकी है ये? 20 रुपए ऑलरेडी भर चुकी है। अभी इसने कितना टैक्स भरा था? 20 रुपए। तो ये कितना भरेगी अब जाके? 30 रुपए। जाओ वहां पे 50 रुपए दो, 20 रुपए लेके आओ। तो नेट टैक्स कितना हो गया? 30 रुपए। नेट टैक्स कितना हो गया? 30 रुपए। इसने कितना भरा? 30 रुपए। सरकार तुमको कितना टैक्स मिला है? 50 रुपए। सरकार को टैक्स कितना मिला है? 50 रुपए। किसने कितना कितना भरा? 10, 10, 30। कितना हो गया? 50। फाइनल प्रोडक्ट कितने का बिका है? 500 का। फाइनल प्रोडक्ट कितने का बिका है? प्रोडक्ट 500 का है, 10% जीएसटी लगे। कितना हो गया? 50 रुपए, जो सरकार को मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना तमाशा क्यों किया? जब 500 पे ही 10% 50 रुपए टैक्स लेना था, तो इससे 10, इससे 10, इससे 30 लेने से अच्छा सीधे सीधे 500 पे 10% 50 रुपए लगा देते, झंझट ही नहीं होता। सीधे सीधे कर सकते थे ना, अभी भी सरकार कितना आया? 50। और आखिरी में अगर ये सब बेचते जाते और सीधे फाइनल प्रोडक्ट पे टैक्स लगाते कितना हो जाता? 50 रुपए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती? चोरी के चांसेस बढ़ जाते। अभी सरकार ने क्या रखा है? सबको पकड़ के रखा है, सबको पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ के रखा है? तुमने इसको बेचा, तुम भरोगे। अब मजे की बात सोचो, होता क्या है, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे होता समझना। मैं गुड्स बेच रहा हूं, जैसे इसने गुड्स बेचे, कितने के बेचे थे? 100 रुपए के। इसको 10 रुपए मिले थे, इसको 10 रुपए मिले थे। अब इसने 10 रुपए मिले थे, ये 10 रुपए सरकार को भराई, ये 10 रुपए सरकार को भराई। फिर इसने आगे बेचा, कितने का बेचा? 200 का। अब 200 में टैक्स कितना आया इसके पास? 20। इसको 10 रुपए का बेनिफिट लेना है, इसको 10 रुपए का बेनिफिट लेना है। अगर इसको 10 रुपए का बेनिफिट लेना है तो इसको क्या दिखाना पड़ेगा? कि इसने 10 रुपए टैक्स इसको दिया है और इसने 10 रुपए का टैक्स भरा है। जब तक ये साबित नहीं करेगी, जब तक ये साबित नहीं करेगी कि ये सरकार को 10 रुपए दे चुकी है, तब तक मेरे को उस 10 रुपए का फायदा नहीं मिलेगा। लॉजिक समझना। अभी तक क्या होता था? ये मेरे को गुड्स बेचता था और मेरे से बिल नहीं फड़वाता था। ये गुड्स बेचता था और बोलता था कच्चे में बेच दो, मेरे को बिल मत दो। तो ये बोलती थी ठीक है मेरे को बिल दो चाहे ना दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही माल लेके आ जाती थी, 110 रुपए लेती थी और 10 रुपए का कर लेती थी, जेब में रख लेती थी, या 100 रुपए लेती थी, सरकार के 10 रुपए लेती ही नहीं थी। यहां तक समझ में आ रही बात? अब लेकिन क्या हुआ, सरकार ने क्या बोला, तुम आगे बेचोगे, कितने बेचेगी? 200 में। इसको कितने मिलेंगे? 20 रुपए। अब इसको क्या दिखाना पड़ेगा? बिल, कि मैंने 10 रुपए टैक्स दिया है, मैंने 10 रुपए टैक्स दिया है। अगर इसके पास बिल होगा तभी इसको 10 रुपए का क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। ये बोलेगी बिना बिल का कच्चा का माल ले लो, पर मैं बोलूंगा मुझे कच्चे का माल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे अगर आगे वाला मुझसे टैक्स लेगा, ये तो मुझे टैक्स लेगी, अगर आगे वाला मुझसे टैक्स लेगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा इसको 220 रुपए। उस 20 रुपए का मुझे बेनिफिट लेना है तो मुझे तुम्हारे वाले 10 रुपए दिखाने पड़ेंगे, मुझे तो टैक्स चाहिए। सेम चीज इसके साथ होगी, ये भी बिना बिल के नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं खरीदेगी? क्योंकि इससे आगे वाला क्या मांगेगा? बिल मांगेगा। जब तक फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, अब हर कोई एक दूसरे से क्या करता रहेगा? बिल मांगता रहेगा। कच्चे में माल नहीं लेंगे ये लोग, अभी भी लेते हैं, तरीके उसके भी निकाल लिए, जनता इंसानी दिमाग कुछ ना कुछ तो सोच ही लेता है। लेकिन स्टिल यहां से क्या हुआ है, टैक्स का चलन चलता है। इसको बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्रेडिट सिस्टम। जो ये टैक्स इसको भर चुकी है, इसने बेचा,
इसके लिए क्या था आउटपुट, जिसने बेचा उसके लिए क्या था आउटपुट, इसने खरीदा इसके लिए क्या था इनपुट, इसने बेचा क्या था आउटपुट, इसने खरीदा क्या था इनपुट। क्या बात समझ में आ रही है? ये टैक्स कलेक्ट करेगी, सरकार को देगी, उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। और इसने इसको भरा है अपनी जेब से, तो इसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। बात समझ में आ रही है? फिर जब तुमने 200 का बेचा, कितने का बेचा 200 का, तो कितने मिले 20 रुपए, कितने मिले 20 रुपए, हाथ में कितने आए 220, तो 20 में तुम्हें इनपुट का फायदा मिलेगा, 20 रुपए तुम्हारा आउटपुट है, 20 रुपए तुम्हारा आउटपुट है, तुम्हें किसका फायदा मिलेगा इनपुट टैक्स का, किसका मिलेगा इनपुट टैक्स का, कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट तुम्हारे पास रखा हुआ है, तो कितना रखा हुआ है 10 रुपए, 20 माइनस 10 कितना दोगे 10। फिर तुमने इसको बेचा, तो इसके लिए क्या था, इसने बेचा इसके लिए क्या था आउटपुट 20 माइनस 10 करके 10 को दे दिया। इसने खरीदा कितने खरीदा, किसने खरीदा, इसने कितने खरीदा था 200 का, अरे इसने बेचा ना उसको 200 का, 500 का उसने खरीदा, तुमने कितने खरीदा था 200 का, तो 200 में 220 रुपए दिए, तो 220 रुपए इसके लिए क्या है आउटपुट की इनपुट, इसके लिए आउटपुट है, इसके लिए क्या है इनपुट। क्या बात समझ में आ रही? तो इसकी जेब से लगा 20, अब इसने कितने का बेचा 500 का, 50 रुपए कलेक्ट किया आउटपुट, क्योंकि इसको सरकार को देने जाना है, लेकिन ये इसको कितना दे चुकी है 20, तो कितना 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30 रुपए, आउटपुट माइनस इनपुट। सब लोग क्या देंगे इनपुट नेट टैक्स देंगे, बैठ जाओ जाके सब लोग, पैसे जिसके जो जो थे वापस करो बेटा, ये लो भाई तुम्हारे 500, ठीक है भाई कितने दिए थे सानी तूने 5000 2000 कितने दिए थे हैं सारे, तू 240 मांगेगा मेरे को पूरा भरोसा तुझ पे, ये ले बाकी और किसी ने दिए थे क्या, तो ये मेरे हो गए, ओ कमाई हो गई, चलो चलो लाओ दो, जो किसी का नहीं होता वो मेरा होता है बेटा, ठीक है चलो आओ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी चल क्या रही है कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी कहानी चल क्या रही है मुझे बताओ, कि क्रेडिट सिस्टम है, क्या है क्रेडिट सिस्टम। अब इसको प्रैक्टिकली समझते होता कैसे है, जैसे श्रेयांश का बैग्स का काम है, अब श्रेयांश क्या करेगा बाहर से बैग्स खरीद के आएगा, श्रेयांश क्या करेगा बैग्स बाहर से बैग्स खरीद के आएगा, अब वो बाहर से जो बैग्स खरीद के आया है उसका 1 लाख का बिल बना, 1 लाख का बिल बना, वो जो 1 लाख का बिल बना क्या उसने जीएसटी लगाया होगा श्रेयांश पे, हाँ कितना लगाया होगा, मान लो 1 लाख पे 18% जीएसटी, तो कितना लगाया होगा 18,000, ये 18,000 रुपए जीएसटी के भर के आया है, क्या इसने सरकार को भरे कि दुकानदार को भरे, इसके पास एक शक्ति आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कल को इसको कोई भी टैक्स पेबल आएगा जीएसटी का, तो ये 18,000 का क्या ले लेगा बेनिफिट ले लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसने 100-100 रुपए के 10 बैग बेचे, या 500-500 रुपए के 10 बैग बेचे, कितने के बेचे 5,000, सब में 18-18% जीएसटी लगाया, तो 5,000 का 18% बताओ कितना आएगा 18%, कैलकुलेटर लेके बैठा बेटा, अब प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, 5,000 का 18% कितना आएगा 900 रुपए, ठीक है 900 रुपए इसने जनता से टैक्स, इसने अलग अलग लोगों को भेजा 500-500, 10 बैग्स बेचे, तो इसके पास पैसे कितने आए 5,900 रुपए, क्योंकि सबसे 18-18% जीएसटी कलेक्ट किया इसने, बात समझ में आ रही है, तो इसके हाथ में कितने हैं 5,900 रुपए, ये बोल रहा है हे राम ये 900 रुपए कलेक्ट किए भरने जाने, कि जब 900 रुपए सरकार को भरने जा रहा था तो इसके दिमाग की बत्ती जली कि इसके पास कितने का इनपुट पड़ा है 18,000, तो 18,000 में से कितना माइनस कर देगा 900, अभी भी इसके पास कितना बचा है 17,100, ये अभी और माल बेच सकता है बिना जीएसटी भरे। क्या बात समझ में आ रही है? फिर ये जब आगे चल के माल बेचेगा, फिर ये आगे चल के जब माल बेचेगा, इसकी टोटल सेल हो गई मान के चलो, इसकी टोटल सेल कितने की हो गई मान के चलो 10 लाख की, कितने की हो गई 10 लाख की, तो 10 लाख का 18% जीएसटी इसने जनता से कलेक्ट, सेल 10 लाख की हो गई तो 18% जीएसटी इसने जनता से कलेक्ट कर लिया, और कितना 1,80,000, 1,80,000 में इसने इनपुट कितने का लिया था 18,000 का, कितने का लिया था 18,000 का, तो ये सरकार को नेट टैक्स कितना देने जाएगा 1,80,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा तुम्हारा 1,62,000। लॉजिक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, क्या आप जितना टैक्स भर के आए हो किसी दुकानदार को, वो आपके लिए कहलाता है इनपुट टैक्स, क्या कहलाता है इनपुट टैक्स, आप जो जनता से कलेक्ट करते हो वो कहलाता है आउटपुट टैक्स, क्या कहलाता है आउटपुट टैक्स, आप बेचते हो और कलेक्ट करते हो तो आपने बेच के कलेक्ट किया, ये आपका क्या है आउटपुट टैक्स, ये आपको सरकार को पे करने की जिम्मेदारी है, ये आपको सरकार को पे करने की जिम्मेदारी है, तो ये आउटपुट टैक्स है, और इनपुट जो आपको क्या किया आपने खरीद किया है, तो आउटपुट माइनस इनपुट क्या हो जाएगा नेट टैक्स। वेरी सिंपल, कोई झंझट, सिंपल कोई झंझट नहीं। अब सोचो एक बार, अब मजे बात समझो, ये माल जबलपुर से खरीदा कि बाहर से खरीदा इसने, बाहर से,
इसने खरीदा मान के चलो दिल्ली से, तो ये पे करके क्या आया होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अबे ये दिल्ली में क्या है, क्या पे किया होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसने पे क्या किया है? आईजीएसटी। और ये जो यहां बेच रहा है सब लोकल बेच रहा है, तो जो आउटपुट में टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ रहे हो? अब क्या होगा, आउटपुट में इसके पास क्या है? जनता से क्या कलेक्ट किया इसने? सीजीएसटी और एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल 1,80,000, 10 लाख का 18%, 1,80,000 कितना आया था? 1,18,000। सॉरी, अपन ने क्या लिया था? अपन ने 1,80,000 क्या है? आउटपुट। अपन ने 10 लाख की सेल दिखाई थी ना, 10 लाख की क्या दिखाई थी? सेल। 18% इसके पास कितना है? 1,80,000। और सब विद इन स्टेट है, तो 90,000 का सीजीएसटी और 90,000 का एसजीएसटी। ठीक है, तुम केंद्र सरकार हो, तुम राज्य सरकार हो, मुझे 90,000 किसको देने हैं? सीजीएसटी को। और 90,000 किसको देने हैं? एसजीएसटी। पक्का? मैंने कहा 90-90 नहीं दूंगा, 1,80,000 मुझे इनपुट का फायदा मिलना चाहिए। इनपुट मेरे पास क्या पड़ा है? आईजीएसटी। 18,000 का लेकिन क्या पड़ा है? आईजीएसटी। अब आईजीएसटी से कैसे एडजस्ट कर लूं? और आईजीएसटी से तो वैसे भी आईजीएसटी जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसमें स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है, खासकर स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है। मैं तो दिल्ली से लेके आया हूँ, वो तो दिल्ली सरकार को मिल गया हुआ। लॉजिक समझ रहे हो मेरी बात? अरे आईजीएसटी जो मैं लेके आया हूँ दिल्ली से लेके आया, उसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी है, लेकिन सी तो सी का है और एस किसका है? दिल्ली का है। सॉरी, एस किसका है? यहाँ की स्टेट का है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स ना मैंने कंज्यूम किया है, बात समझ में आ रही है? अब मैं आईजीएसटी क्रेडिट कैसे लूं, क्योंकि मेरे पास आउटपुट में क्या है? आउटपुट में क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और मेरे पास इनपुट में क्या है? आईजीएसटी। इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे, इसका भी एक तरीका है। क्या बात समझ आ रही है? और कई बार पूरा पूरा सेट ऑफ नहीं भी होता है, हम पूरा इसका एक पूरा फ्रेमवर्क समझेंगे कि कैसे आपको सेट ऑफ करना है। कितनों को कहानी समझ में आई, प्रॉब्लम समझ में आई? पहली चीज, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप जो आउटपुट टैक्स पे कर रहे हो उससे आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। आपको नेट टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? नेट टैक्स। नेट टैक्स कैसे करना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब जो आप बेच के जनता से कलेक्ट करते हो। आउटपुट टैक्स मतलब जो आप जनता से को क्या करते हो? बेच के कलेक्ट करते हो। ठीक है क्या? और इनपुट टैक्स क्या होता है? जो आपने परचेज करके टैक्स पे करके आए हो। सबसे पहले लिखो आउटपुट टैक्स, बुक में लिख लो, कहीं भी लिख लो जहां अच्छा लगे। हाँ जहां 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 बहुत बहुत दो दो लाइनें लिखवानी है अभी, तो बस मुझे आज तो तक ही लिखवा रहा हूं। आउटपुट टैक्स जो आप क्या करते हो, जो आप सेल करके जनता से कलेक्ट करते हो, गुड्स या सर्विसेज सेल करके कलेक्ट करते हो, आप एज ए सेलर कलेक्ट करते हो। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो आप गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज सेल करके पब्लिक से कलेक्ट करते हो, पब्लिक या किसी से भी कलेक्ट करते हो। हाँ, गुड्स ऑब्लिक सर्विस सेल करके कलेक्ट करते हो, वो क्या होता है? आउटपुट टैक्स। ठीक है क्या? इनपुट टैक्स क्या होता है? जो आप गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज परचेज करते टाइम पे करते हो, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज परचेज करते टाइम पे करते हो। ठीक है, नेट टैक्स पे कितना करना पड़ता है? आउटपुट माइनस इनपुट। नेट टैक्स पे कितना करना पड़ता है? आउटपुट माइनस इनपुट। नेट टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये भी मैंने आपको बेसिक लिखवाया है, ये एकदम ही मतलब बोल सकता हूं देसी लिखवाया है मैंने अभी आपको। अभी इसमें कुछ सीजीएसटी नहीं डाला, कुछ एसजीएसटी नहीं डाला, कुछ आईजीएसटी नहीं डाला। कल जब हम आएंगे तो इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। क्या होमवर्क दे रहा हूं? एक पेपर में आप कॉपी के एक पेज में एक पूरा एग्जाम्पल बना के आएंगे, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और डी ने कंज्यूमर को बेचा, है ना। मन से एग्जाम्पल लेंगे, ए ने 1,000 रुपए का गुड्स लिया, 1,000 रुपए गुड्स किसको बेचा? बी को। कितने बेचा? 1,000 बेचा।
तो 1000 में 10% 18% लेंगे टैक्स, 18% लेंगे टैक्स, और आपको कैलकुलेटर अलाउड है। अभी मैं सीजीएसटी एसजीएसटी का बायफर्केशन नहीं कर रहा हूँ, केवल समझ ना, 1000 में 18% आपको टैक्स लगा, कितना लग जाएगा, 180 रुपए। ठीक है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, उसके इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स, उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, और बीच में एक गवर्नमेंट बनाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? देखते हैं कौन बेस्ट डायग्राम बना के पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखा के लेके आता है कि नेट किसने कितना टैक्स पे किया, किसको कितना इनपुट मिला, और फाइनली सरकार को कितना टैक्स मिला है। ये पूरा आपको एक एग्जाम्पल बना के आना है, चल जाएगा क्या? हाँ, लिख के डायग्राम बना के पूरा, मतलब पूरा एक, मुझे एक कागज में पूरा वो देखना चाहिए कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने कंज्यूमर को बेचा, इसने इतना, इसने इतना, इसने इतना। बेस्ट प्रेजेंटेशन। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आज इतना ही करा रहा हूँ, बाकी अगली क्लास में करेंगे।